हेलो एंड वेलकम टू आवर रेसिपी वीडियो। आज हम बना रहे हैं शायद सबसे आसान मिठाई कराची हलवा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कराची हलवा बनता है कॉर्नफ्लावर से। तो सबसे पहले हमने लिया है आधा कप कॉर्नफ्लावर और उसमें डाला है 1.5 कप पानी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाय द वे, बिफोर आई फॉरगेट एंड यू फॉरगेट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल पिज्जा वाली। अभी बहुत सारी रेसिपीज आनी बाकी है। सो गेटिंग बैक टू द रेसिपी, कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स करने के बाद हमने लिया 1.25 कप चीनी और उसमें डाला 1 कप पानी और गैस पर रखकर उसकी पतली चाशनी बना ली। इसे सिर्फ एक बॉयल तक लाना है। एक बार पानी में चीनी घुल जाए तो इसमें डाले एक बड़ा चम्मच नींबू का रस। ये हम इसलिए करते हैं ताकि शक्कर के क्रिस्टल्स ना बने। अब इस चाशनी में हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर का मिक्स जो हमने पहले बनाया था और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। ऐसे बनता है एकदम हलवाई जैसा कराची हलवा। थोड़ी देर बाद ये मिक्सचर ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा और तब हम डालेंगे इसमें 3 चम्मच घी और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ये बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बनता है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा फूड कलर। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ ट्रेडिशनल ऑरेंज कलर ही यूज किया है। कलर डालते ही लगने लगा है ना कुछ बाजार वाला कराची हलवे जैसा। अब डालते हैं 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हलवे में। डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ काजू, बादाम और पिस्ता और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्स को सेट होने के लिए एक बर्तन लेते हैं। आप कोई भी स्टील या एल्युमिनियम बर्तन ले सकते हैं। उसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसमें डाल देंगे अपना कराची हलवा का मिक्स। लग रहा है ना अच्छा, जैसे स्लाइड करते हुए हमारे बर्तन में जा रहा है। इस मिक्स को हम ऊपर से थोड़ा लेवल करेंगे एक स्पैचुला के हेल्प से। हम ये हलवे को गार्निश करेंगे थोड़े काजू, बादाम और पिस्ता से और एक स्पैचुला से हम थोड़ा अंदर दबा देंगे। इसे 2-3 घंटे तक रेफ्रिजरेट कर देंगे। दो घंटे बाद इसे फ्रिज से निकाले और एक नाइफ से इसको सब साइड से लूज कर लेंगे और इसको एक प्लेट में पलट देंगे।
थोड़ा इजीली निकल गया। बस अब इसको हम रेक्टेंगुलर पीसेस में काटेंगे। एंड व्हाइल आई डू दैट, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी। एंड यस, प्लीज शेयर इट विद एटलीस्ट वन मोर पर्सन एंड हेल्प द चैनल ग्रो। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून विद सम मोर अमेजिंग रेसिपीज।